नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। पलामू में कई जगहों पर अवैध शराब भट्टी ध्वस्त। उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार श्रीवास्तव के निर्देशानुसार बुधवार को पांकी तरहसी व लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान में उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। अभियान में शामिल जवानों में कई अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया गया। उत्पाद विभाग के सदर सहपांकी अवर निरीक्षक कांग्रेस कुमार ने बताया कि पीपरा टांड थाना क्षेत्र के हरखुआ तरहसी थाना क्षेत्र उदयपुरा टूपांकी थाना क्षेत्र के नवडीहा मंगलपुर पनखेता लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कुंदरी बाजार में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की गई। इस दौरान कई जगहों पर अवैध शराब भट्टी ध्वस्त कर दी गई है। उन्होंने बताया कि छापेमारी अभियान में 400 किलो जावा महुआ व 30 लीटर अवैध चुलाई गलाई शराब बरामद की गई। अवैध शराब में शामिल हरखुआ गांव निवासी शंकर साव, उदयपुरा टू निवासी देवराज रजक, एम बीरबल भूया समेत एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। कुंदरी बाजार से 80 लीटर अवैध चुलाई गई शराब बरामद की गई। 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज भी की गई। छापेमारी अभियान में निरीक्षक उत्पाद सौरभ तिवारी के पर्यवेक्षक में सदस्य हैं पांकी अवर निरीक्षक कांग्रेस कुमार, सहायक अवर निरीक्षक पुरुषोत्तम कुमार, उत्पाद बल, सशस्त्र गृह रक्षक आदि भी शामिल थे। धन्यवाद।